नमस्कार। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। विक्रम संवत 2081 का कालयुक्त संवत्सर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बुधवार, और श्री राम नवमी का पावन परम पावन अवसर हम अयोध्या के नव्य दिव्य और भव्य राम मंदिर से एक बार पुनः आप सब राम भक्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव के इस पुनीत अवसर पर दूरदर्शन की ओर से आप सभी को अनेकानेक मंगल कामनाएं। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू बह पावनी। प्रभु श्री राम का वो दरबार उसी अयोध्या नगरी में, जहां पवित्र सरयू बहती है। श्रोताओं का, राम भक्तों का यहाँ मंदिर के गर्भगृह तक, जहां उनके लिए सीमा बनाई गई है, वहां तक आने का क्रम बड़े भोर से ही जारी है। प्रातःकाल 3 बजे से पूर्व से ही रामनवमी का ये उत्सव बड़े उल्लास, उमंग और जोश के साथ चल रहा है। ये जोश उन राम भक्तों में दिखाई पड़ता है, लेकिन जोश में उन्होंने होश नहीं खोए हैं। पूरा अनुशासन उनके साथ है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो प्रभु के दरबार में पहुंच रहे हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य थे प्रभु श्री राम। उनकी पवित्र भावनाओं को समेटे सप्तपुरियों में श्रेष्ठ पुण्य सलिला सरयू तट पर विराजित इस पुण्य नगरी अयोध्या में 5 शताब्दियों की लंबी प्रतीक्षा के बाद नवनिर्मित नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में आज रामनवमी का उल्लास अपने चरम पर है। भक्तों की यह अनगिनत संख्या हमें बताती है कि देश के कोने कोने से राम भक्त आज रामनवमी के पावन अवसर पर अपने प्रिय प्रभु श्री राम का दर्शन करने यहां पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भगवान रामलला अपने गृह में विराजमान होकर भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। आज की रामनवमी तो अति विशेष है। इस नूतन देवालय में आज पहली बार भगवान अवतरित होंगे और ठीक उसी समय 12 बजे प्रभु को सूर्य का किरणाभिषेक होगा। पूरे देश में, पूरी अयोध्या और जहां जहां प्रभु श्री राम का देवालय स्थित है, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव आयोजित हो रहा होगा। सभी भक्त इस उल्लास में डूबे होंगे। राम मंदिर को लगभग 50 कुंतल देशी विदेशी फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रभु की वो दिव्य छवि, ऐसा लगता है बस देखते रहिए, अपलक निहारते रहिए। प्रभु
का वो मनमोहक स्वरूप, प्रभु के वो नेत्र, ऐसा लग रहा है कि भक्तों पर लगातार कृपा वृष्टि कर रहे हैं। श्रीमात्राघवदेशे कंच वरदं स्वाचार्य वर्यं श्रयेत् तानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भ्यो नमः ओम प्रपन्नाभीष्ट संदोहा श्री राम करुणानिधे शिव शेषात विज्ञेया से समाहात्म राघवा सभ्रातिभिः समागच्छा पार्षदेन सह प्रभो आज्ञापय स्वदासं मर्चायै सागतम् अप्नेय कृपारत्न सांगं सहनम सशक्तिकं श्रीरामचंद्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नगरे रम्ये रत्नमंडपमध्यगे स्मरेत् कल्पतरुमूले रत्नसिंहासनं शुभं तन्मध्येष्टदलं पद्मं रत्नैश्च वेष्टितम् स्मरेन्मध्ये दासरथिं सहस्रादित्यतेजसं विद्युत्तगतं रामं इन्द्रनीलमणिप्रभं कोमलाङ्गं विशालाक्षं विद्वद्वर्णाभरावृतं भातुकोटिप्रतीकं किरीटेन विराजितं रत्नक्रैवेयकेयूरा रत्नकुण्डलमण्डितं रत्न कटिसूत्रैरलङ्कृतं श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं मुक्ताहारोपशोभितं दिव्यरत्नसमायुक्तं मुद्रिकाभिरलङ्कृतं राघवभुजं बालं राममेषस्मिताननं तुलसीकुत्तमरा पुष्पमाल्यैरलङ्कृतं कर्पूरक दिव्यगंधानुलेपनं योगशास्त्रे सुभिरतं योगे संयोगदायकं सदा भरत सौमित्रा शत्रुघ्नैरुपशोभितं विद्याधर सुराधीशा सिद्धगंधर्व किन्नरैः योगेन्द्रै नारदाद्यैश्च स्तूयमानमहर्निशं विश्वामित्र वसिष्ठादिः मुनिभिः परिसेवितं सनकादिमुनिः श्रेष्ठैः योगवृन्दैश्च सेवितं रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदं मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनं सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञम् आनन्दकरसुन्दरं कौशल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिं विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं प्रज्ञानरूपं स्वसुखैकहेतुं श्रीरामचन्द्र आदिदेवं परात्परं राममहं भजामि इति पत्तिर्थच्छन्धाया भगवच्छ्रीरामचन्द्रचरणारविन्द समर्पये। Thank you.
त्याग तपस्या औदार्य विनम्रता सर्वस्व अर्पण कर देने की उद्दाम भावना सौंदर्य ऐश्वर्य सरलता सरसता ये सारे वैशिष्ट्य जहाँ एक साथ दिव्यता और पूर्णता को प्राप्त होते हैं वो नाम है प्रभु श्री राम। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं तारकम ब्रह्म स्वरूपम, श्री राम तारक हैं, भवतारक हैं, उद्धारक हैं, त्राता हैं, रक्षक हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। भारतीय आध्यात्मिक चेतना की प्राण वायु मेरुदंड हैं प्रभु श्री राम। भारतीय सनातन परंपरा के पालक पोषक संवाहक अधिष्ठाता हैं प्रभु श्री राम। श्री राम अर्थात सनातन संस्कृत सभ्यता का आधार, श्री राम अर्थात दुष्टों का दमन राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार, श्री राम अर्थात हर भय व्याधि बाधा का उपचार, श्री राम अर्थात लोक आस्था आशा विश्वास का जीता जागता संसार। रैदारण्यक उपनिषद में कहा गया है ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादायो पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानंद परम ब्रह्म सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण परमात्मा पुरुषोत्तम रूप में प्रभु श्री राम ही तो है। उनके प्राकट्य से ही इस जगत को पूर्णता प्राप्त होती है और आज वही दिवस है श्री राम नवमी का दिन, अर्थात प्रभु श्री राम के इस धरा पर अवतरित होने का दिन, उनके प्राकट्य का दिन है। वेद पुराण उपनिषद ये सब विद्वत जनों के चिंतन मनन का विषय है, किंतु राम तो जन जन के हैं, लोकनायक हैं वो। निर्मलं सरयूदकम्
गृहाणा च मनम नाथ प्रसीद मम राघव ओम अप्रमेय कृपा रत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम यन्मधुनो मधव्यं परमग्निं रूपमन्नात्यं मां तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नात्ये न परमो मधव्योऽन्नादोऽसामि ओम अप्रमेय कृपा रत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः मधुपर्कं समर्पयामि इत्युक्त्वा आचमनीयं जलं समर्प्य शुभ्रवस्त्रेण मुखं संप्रोक्ष्य दरिस्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि शुद्धो दक्षिणानान्ते दुरात्मनीयं जलं समर्पयामि घृतं निमिक्षे घृतमस्यायो निर्घृते घृतो घृतं भगवते श्रीरामचंद्राय नमः घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्धोदक्षिणानं समर्पयामि शुद्धोदक्षिणानान्ते दुरात्मनीयं जलं समर्पयामि ॐ माधुपाता अरेत याते माधुक्षारन्ति सिन्धावाः माधुवेन्नाः सन्तोखाधीः माधुनक्ता भूतो राजाः मारुति अवरस्तु नाः पीता माधुमान्नोत्पानस्पादम् माधुमान् अस्तु सूर्याः माधुवेन्द्रावो अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदक्षिणानं समर्पयामि शुद्धोदक्षिणानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि आपाघ्रातामुगवाया तक्रो दूर्जे सन्तक्रो सामाहितं मा आपाघ्रातस्यायो रासस्तम्भो गृह्णामि युत्तमामुपाय मा गृहीतो अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानान्ते शुद्धोदक्षिणानं समर्पयामि शुद्धोदक्षिणानान्ते दुर्गात्मनीयं जलं समर्पयामि पञ्चानदीयाः सारस्वती मा प्रीयस्ते सरोदसाः सारस्वती तु पञ्चाधासु देशे भावत्सरिता अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते
स्नानान्ते शुद्धोरस्नानं समर्पयामि शुद्धोरस्नानान्ते शुद्धाबालाः तत्पशुद्धाबालो मारीबालस्ताश्विनाः येताः येताक्षोरुणस्ते रुद्र या पाशुपताये पारित्राकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः शुद्धोरक्षणानं समर्पयामि शुद्धोरक्षणानात्ते दुरात्मनीयं जलं समर्पयामि ॐ गन्धर्वसवाक्षमावतुः पारिनाथात् विषमस्या तृतीयै जायामानस्या पारिधीरस्य गणेरीडाये एताः ॐ अप्रमेयं पारित्राकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः गन्धोदक्षिणानं समर्पयामि गन्धोदक्षिणानान्ते तदात्मनीयम् अग्गो सूनाते अग्गो सोः स्त्रियातां पारुहा पारुः गन्धस्ते सोमामावतु मागा यारासो अच्युताः अप्रमेयकृपार्थनाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः उद्वर्तस्नानं समर्पयामि उद्वर्तस्नानान्ते शुद्धोरक्षणानं समर्पयामि शुद्धोरक्षणानान्ते दुरात्मनीयम् ॐ देवस्य तवासावेतोः प्रातावेष्वेण बाहुभ्यां पूषण हस्ताभ्यां मा अप्रमेयकृपार्थनाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः शुद्धोदक्षिणानं समर्पयामि ॐ जाहाफलिनि जाहाफला आपपाद शाप्तपेणेः बृहस्पति प्रासूतास्ताज अप्रमेयकृपार्थनाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः समर्पयामि फलस्नानान्ते शुद्धोदक्षिणानं समर्पय शुद्धोदक्षिणानान्ते दुर्गाचमनीयं जलं समर्पयामि मारीबालस्ताश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्र व्यापासुपाताये कर्णाजामा आवालिप्तारमुत्र समाज्यालुक्तसमा राजायात तस्मादशवा
भगवान
श्री राम के प्राकट्योत्सव से पूर्व की जो पूजन प्रक्रिया है वो संपन्न हो रही है। षोडशोपचार पूजन किया जा रहा है और जिसमें पुनः भगवान का स्नान, पंचामृत, गंधोदक, सुगंध द्रव्य आदि से अभिषेक, तुलसी अर्चन और षोडशोपचार के अंतर्गत आने वाली और जो विधियां हैं उन्हें संपन्न किया जा रहा है। मंदिर के शिखर का वो दिव्य नव्य स्वरूप आप देख पा रहे हैं। अलौकिक सजावट की गई है। गर्भगृह के अलावा पांचों मंडपों, रंग मंडप, नृत्य मंडप, गुढ़ी मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप सहित शिखर, परकोटे और सीढ़ियों को भी विद्युत झालरों से सजाया गया है। श्री राम, जय राम, ऐसा भजन अपने मन में अथवा उच्चारण करके बोलकर कर सकते हैं। आप बैठे रहिए, शांति से खड़े रहिए, पीछे से कोई धक्का देने का प्रयास न करे। आगे काफी लोग बैठ गए हैं, अपने स्थान पर धैर्य से खड़े रहिए, भजन कर सकते हैं, करते रहिए। चलो री सर श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय भगवान के जन्म के पहले उनके आभूषण बदले जा रहे हैं। नए हार, मालाएं पहनाने की तैयारी हो रही है। श्री राम, जय राम, भगवान का मुकुट बदला जाएगा, भगत को भोग लगाया जाएगा। उतनी देर आप अपने स्थान पर धैर्यपूर्वक नाम स्मरण, नाम संकीर्तन करने की कृपा करें। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, ओ दशरथ राज दुलारे राम, अरे भक्तन प्राण हरे राम। आप भगवान को 56 भोग लगाया गया है, लगाया जाएगा। एक उदासीन परंपरा के बड़े श्री महंत हैं, स्वामी सत प्रकाशानंद जी महाराज, और लखनऊ का प्रसिद्ध 56 भोग। इन दोनों की ओर से 56 भोग भगवान को समर्पित किया जा रहा है। बाद में यथासंभव निकास मार्ग पर प्रसाद वितरण होगा। परिसर में मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए सभी
मनुष्यों को, सभी श्रमिकों को, यहां की सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा कर्मियों को, सभी प्रकार के कार्यों में लगे सेवकों कार्यकर्ताओं को प्रसाद के वितरण का विचार है और ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आप सबको जो इस 70 एकड़ परिसर में लगभग 7,000 लोग हैं उन 7,000 लोगों को ये आज प्राप्त होगा। ये 56 भोग 11:55 तक ये भोग है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय तुलसीदास जी राम रक्षा स्तोत्र के 35वें श्लोक में कहते हैं आपदा मप हरतारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम। श्री राम जय राम जय जय प्रभु श्री राम सभी आपदाओं को दूर कर सुख संपत्ति शांति अर्थात सभी संपदाओं को प्रदान करने वाले हैं। समस्त लोक के प्रिय ऐसे भगवान श्री राम को बारंबार प्रणाम है। मंदिर परंपरा के गायक यहाँ पर प्रभु का नाम स्मरण कर रहे हैं। त्रयोदशाक्षर मंत्र का अपने दूरदर्शन पर पाठ किया जा रहा है, अपने मोबाइल पर अथवा एलईडी स्क्रीन पर आज के इस आयोजन का दर्शन कर सकते हैं। हमारे बीच में मणिराम दास छावनी के श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष भी हैं, वो पधारे हैं। शहर में लगभग 100 स्थानों पर एलईडी वॉल्स, एलईडी के पर्दे लगे हैं। उन पर्दों पर नगर निगम की योजना से भी शहर के तमाम स्थानों पर बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं, अथवा अपने मोबाइल, अपने टेलीविजन पर राम जन्मभूमि पर राम जन्मोत्सव और सूर्य तिलक 11:58 से 12:02 तक 4 मिनट के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपने कुल में जन्मे बालक राम के ललाट पर तिलक लगाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए अनुसंधान विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान के वैज्ञानिक, उनकी डायरेक्टर, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के डायरेक्टर, उनके वैज्ञानिक, दूरदर्शन, प्रसार भारती, इसके सभी तकनीकी विशेषज्ञ यहां पर उपस्थित हैं। जिन लोगों ने 4 वर्षों तक लेबोरेटरी में बैठकर भगवान सूर्य की किरणों को पकड़कर भगवान के लब तक पहुंचाने का काम किया है, वो सभी वैज्ञानिक अभी यहां पर हैं, हमारे बीच में हैं।
बेंगलोर से आए हैं, रुड़की से आए हैं, भाषा में अंतर होगा, वो अपने अपने ड्यूटी पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में चेन्नई से गोपाल कृष्णन, सेवानिवृत्त निदेशक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जिन्होंने ये प्रयोग और इस मंदिर का भूकंप अध्ययन, वो भी आज यहाँ आए गए हैं, वो हमारे बीच खड़े होंगे। हाँ बैठे हैं, बैठे रहिए, बैठे बैठे बैठ रहिए। और बीआरआई के वर्तमान डायरेक्टर, वो भी हमारे आगे बैठे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आकाश विज्ञान की डायरेक्टर बहन जी, माता जी भी यहीं पर हैं कहीं, हाँ बीच में बैठी हैं। वो डायरेक्टर, आपने सुना होगा कि इसरो ने एक सूर्य का अध्ययन करने के लिए कोई मिशन भेजा है, वो भी आप ही के, उसकी ड्राइंग आपने तैयार की थी। इस प्रयोग के लिए सब यहां आए हैं, हमको इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। शांति से देखिए, उत्तर भारत में यह प्रयोग शायद अपने में अद्भुत अनूठा है। आज अवधपुरी को इस प्रकार सुसज्जित किया गया है कि देखत दीन दयाल को धाम, इंद्र को लोक लजायो अयोध्या। साकेतपुरी में जिधर देखिए उधर भक्तों का रीला, सब चल पड़े हैं अपने उस मर्यादा पुरुषोत्तम की अनुपम छवि का दर्शन करने। भारतीय संस्कृति में भगवान राम धैर्य, क्षमा, संयम, गंभीरता, विवेक, उदारता और वीरता जैसे उच्च मानवीय गुणों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आदिकवि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में राम को धर्म का जीता जागता स्वरूप बताया है। वो सुख दुख संपत्ति विपत्ति में एक समान रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि में श्री राम धर्म की प्रकट मूर्ति हैं। तभी कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः। राम के आदर्श व्यक्तिगत और विश्व स्तर पर सभी के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसे अवतारी पुरुष का नाम हृदय में बसाना ही मन को पवित्र करने वाला और सुखद बदलाव लाने वाला होता है। भक्तों का उत्साह देखिए, सुरक्षा कर्मी भी इसमें शामिल हैं। रंग बिरंगी पोशाक पहने भक्तजन, उनमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी बस उसी प्रभु के नाम संकीर्तन में खोए हुए हैं। प्रभु का नाम जो उनको इस संसार रूपी वैतरणी से पार लगा देगा, उसी का नाम स्मरण, नाम चिंतन और नाम संकीर्तन करते हुए आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। रामनवमी मर्यादाओं और आदर्शों का अवतरण दिवस है, साथ ही शाश्वत सनातन और चिरंतन सत्य की अभिव्यक्ति का पुण्य क्षण भी है। हम सबको प्रतीक्षा है उस क्षण की, उस मध्यान्ह के 12 बजे की, जब प्रभु प्रकटेंगे, अवतरित होंगे, उनका इस धरा पर जन्म होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी भक्तजन, महंत नृत्य गोपाल दास जी और उनके शिष्यगण भी यहाँ इस क्षण के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हैं। सभी की शताब्दियों से चली आ रही मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। भव्य, नव्य और दिव्य मंदिर में रामनवमी का ये उत्सव आयोजित हो रहा है।
पूरी अवधपुरी में उल्लास व्याप्त है। दुदुम्बी बज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नर नारी बाल वृंद सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हर मन हर्षित है, पुलकित है। श्री रामलला के प्राकट्य की घड़ी अब निकट है ना। उनचासों पवन सुरभित कर रहे हैं वातावरण को। प्रश्न उठ सकता है, उनचास पवन इसका क्या तात्पर्य है? भारतीय शास्त्रों में सात मारुत अर्थात पवन का वर्णन है। ये सात पवन हैं आवह, प्रवह, संवह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह। ये सातों मारुत सातों लोकों में विचरण करते हैं। प्रत्येक मारुत गण का प्रत्येक लोक में अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है। इस प्रकार ये सात को सात से गुणा करने पर 49 की संख्या को प्राप्त होती है। रामचरितमानस तो अधिकांश लोगों ने पढ़ी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका दहन प्रसंग का उल्लेख करते हुए सुंदर कांड के 25वें दोहे में कहते हैं, हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। तो ये 49 पवन इस समय सुरभित कर रहे हैं अवधपुरी की अयोध्या के संपूर्ण वातावरण। श्री राम के प्राकट्य से ये सभी 49 पवन भी उल्लसित हर्षित। पृथ्वी लोक ही नहीं, इस दिव्य दृश्य का आनंद उठाने के लिए तीनों लोकों के सभी देवता गण भी इस समय अवधपुरी में ही विराजमान है। वो आकाश से अवधपुरी की ओर निहार रहे हैं कि कब प्रभु का प्राकट्य हो और कब वो नभ से पुष्प वर्षा करे। मनुष्य जन्म का सार्थक तभी माना जाता है जब मनुष्य सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर नाम स्मरण पूर्वक संसार रूपी भवसागर को पार कर मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारी संस्कृति में वेद पुराणों का ही हम अनुशीलन और परिपालन करते हैं। वेद पुराणों के अनुसार इस भूलोक में सप्तपुरियों का वर्णन है। उन्हें सप्तपुरियों का मुकुटमणि है ये अयोध्या नगर। प्राचीनतम पुण्य नगरी अयोध्या का कोना कोना आज राममय है। आज ऐसा लग रहा है जैसे भक्त और आराध्य के बीच की दूरी मिट सी गई है। प्रभु भक्तों के साथ एकाकार हो गए हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद्विरजायत। ओम प्रमेय भारतनागराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। धूपम आघ्रापयामि दीपम दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयेत्। ओम मानाभ्या आसेदन्तार्क्षग्गो शीर्षणो द्यौः सामावर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकान् अकल्पयन्न अन्नपतेन्न स्यानो देयस्य नमेव स्या सुखमेनाः दासारिख ओर्जन्नो धे। गर्भगृह के अंदर प्रकाश बंद किया जाएगा। धान्यमासे धेनु हि देवान् प्राणायतवदान यतवा व्याना यतवा दीर्घामान प्रसिद्धि मायुखे धान देवो वा सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगर्भणात्वच्छिदरे पाणिना चक्षुखे त्वा महीनां पयोसि। ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि
धेनु मुद्रया मृते कृत्या ग्रास मुद्रया सुमुखे कृत्या प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। सादास सपाते मद्भूतं प्रेयामिन्द्रस्य काम्यं मा सानिं मेधा मायासि खद्गुसवाः चां मेधान् देवगणाः पितरश्च पासते ताया मामतया मेधायाग्ने मेधा विनं कुरुस्वाः वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्म चक्षतरं च श्रियामश्नोताम् मायि देवा दधातु श्रियामुत्तमां तस्य ते स्वाहा हरिः ॐ। पर्दा खोलिए, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो।
जन्मी राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया हो। जन्मी राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया हो। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है, भारी है भीड़ अंगनैया अवधपुर बाजे बधैया हो। प्रभु श्री राम लला का प्राकट्य हो चुका है, प्रभु श्री राम लला पधार चुके हैं अपने नव्य रूप में, दिव्य रूप में, भव्य रूप में, सारे भक्त जनों को दर्शन दे रहे हैं। ये आरती उनकी स्क्रीन पर आपके सामने है, आप अपने घर बैठे ही आरती प्राप्त कर सकते हैं। भय प्रकट कृपाला जो कहा गया है वो चरितार्थ हो चुका है, चरितार्थ अवतरित हो चुके हैं प्रभु। चैत्रे मासे सिते पक्षे नवम्याम ग्रह पंचके उच्च स्थिते तो मध्याह्ने अविरासीत स्वयं हरि ही, स्वयं भगवान नारायण प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और आज भगवान के प्राकट्य के ठीक पश्चात भगवान भास्कर की ओजस्वी तेजस्वी किंतु कोमल किरणों ने भगवान का किरणाभिषेक किया और वो दृश्य अनुपम अद्भुत अलौकिक था। परब्रह्म परमेश्वर की यहाँ साक्षात अवतार लेने की लीला हुई है और भगवान की इस लीला के साक्षी बने हैं यहाँ उपस्थित लोगों के, भक्तों के अलावा दूरदर्शन के वो लाखों लाखों दर्शक जो देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने घरों से भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्वास, आज भारत वर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व ही नहीं, हमारा ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि अखिल लोकों को विश्राम देने वाले, शांति प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ है। आज ही का दिन है वो जब जन्मे थे प्रभु श्री राम, तभी से लोक आस्था जन जन के हर्षोल्लास का पर्व है श्री राम नवमी। संपूर्ण सनातन जगत को आज के बधाई, बार बार बधाई। और आज के ही दिन प्रभु के तीनों अनुजों का भी अवतरण हुआ था, उनका भी प्राकट्योत्सव है। भगवान अपने अनुजों के साथ अपने जन्म के अवसर पर गाई जाने वाली बधाई सोहर सुनकर आनंदित हो रहे हैं। पहली बार यहाँ अयोध्या धाम में इस परिसर में भगवान का ये प्राकट्योत्सव संपन्न हो रहा है। भगवान का वो अलौकिक, वो विलक्षण रूप ऐसे अद्भुत है। Yeah.
प्रभु के जन्म के साक्षात्कार की अभिलाषा और उत्कंठा लिए भक्तजन यहाँ आज पहुँच रहे हैं। यहाँ दिख रहा है तो केवल आस्था का उमड़ता हुआ जन सैराब और सुनाई पड़ रहा है तो केवल प्रभु श्री राम का जय घोष, राम नाम का उद्घोष। उल्लास और उत्साह के इस वातावरण की परिकल्पना असंभव, लेकिन यहाँ आस्था का विभिन्न रूपों में दर्शन हो रहा है। भगवान के प्राकट्य के बाद भव्य आरती की गई, मंत्र पुष्पांजलि हुई, नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालोद्भवानी च पुष्पांजलिर्मयादत्त ग्रहाण परमेश्वर। भारतीय संस्कृति में भगवान राम धैर्य, क्षमा, संयमता, विवेक, वीरता जैसे
उच्च मानवीय गुणों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आज भगवान को प्राकट्योत्सव के अवसर पर 56 भोग लगाया गया है। नाना प्रकार के व्यंजन भोग के रूप में उन्हें समर्पित किए गए हैं। मेवे फल जैसी जिसकी श्रद्धा हो, कुछ नहीं तो मन का भाव ही प्रत्येक भक्त ने भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया है। आज के समय में जब मानवीय मूल्यों का निरंतर पतन होता जा रहा है, श्री राम के चरित्र का अनुकरण ही समाज को पुनः सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। भक्तों के आनंद का आज चरमोत्कर्ष है, उल्लास की पराकाष्ठा है, उत्साह की सारी सीमाओं का उल्लंघन है। आज भक्ति की दिव्यता का साक्षात अपूर्व दर्शन है। प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा राम नाम के उनके आदर्शों को जीवन में उतारने से होती है। राम राम राष्ट्र का मंगल, लोक मंगल की कामना है राम, मर्यादा का उच्च आदर्श है श्री राम। राम आस्था है, राम श्रद्धा है, राम धर्म है, राम ईश्वर है, राम जन जन का विश्वास है, हर मन की आस्था है, हर मन की आस है, राम सत्य है, राम राज्यों की कल्पना है, राम देश की एकता के प्रतीक है, आदर्श राष्ट्र भक्त है राम, राम अगम है, संसार के कण कण में विराजते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, करुणा निधि है, इस सृष्टि की सुंदरतम अभिव्यक्ति है श्री राम। वे मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के मित्र हैं, प्रकृति के मित्र हैं, अभिरक्षक हैं, वो दूसरों के दुख से द्रवित होने वाले दयानिधि हैं। उनके स्वयं के जीवन में दुख कष्ट व्याधि बाधा ये व्याप्त हैं, किंतु फिर भी तनिक विचलित नहीं होते, परम सत्य और आदर्श का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं श्री राम। मानवीय चेतना को उजागर करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है श्री राम। श्री राम दिखाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयम के साथ, अनुशासन के साथ, मर्यादा के साथ, धैर्य के साथ टिके रहना चाहिए और कैसे अपने लक्ष्य को बिना किसी, कह लीजिए कि छल कपट प्रपंच के प्राप्त किया जा सकता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण प्रभु श्री राम प्रस्तुत करते हैं। सारे भक्तगण देश के कोने कोने से पधारे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से चला आ रहा है। दो दो तीन तीन दिन पहले से आगमन शुरू हो गया था भक्तों का, और सारी रात तो ये मंदिर परिसर के बाहर कतारबद्ध खड़े रहे कि कब भोर हो और कब प्रभु श्री राम लला के प्राकट्य के दर्शन ये कर सके। और आज तो कहना ही क्या, इन्होंने मंगला आरती के दर्शन किए, इन्होंने अभिषेक के दर्शन किए, इन्होंने उन नव वस्त्रों के भी दर्शन किए जो विग्रह के अनावरण के पश्चात आज पहली बार पहनाए गए, पहली बार बदले गए। उन आभूषणों के भी दर्शन किए जो आज पहली बार प्रभु श्री राम लला को अर्पित किए गए, और 56 भोग के भी दर्शन किए। आज अलग अलग मुकुट भी भगवान को पहनाए गए, उनके भी दर्शन हुए। परम बड़भागी हैं आज के ये सारे भक्तजन जो प्रभु श्री राम लला के ये दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, और बड़भागी हैं हम सब भी जो प्रभु श्री राम का ऐसा बखान करने का सुअवसर दूरदर्शन के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का हमें प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम आज से नहीं वरन चिरंतन काल से, त्रेता युग से। हालांकि राम कथा तो अनेक है, और अनेक कथाओं में राम के अनेकों जन्मों का वर्णन है। ये राम ऐसा नहीं कि ये प्राकट्य इनका प्रथम प्राकट्य था, ये तो विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रकट हुए, एक निमित्त था, एक उद्देश्य था। रावण वध के लिए ही इस प्राकट्य का उद्देश्य लिया था प्रभु श्री राम ने, अन्यथा तो परशुराम का प्राकट्य हो चुका था।
किंतु एक काम छूट गया था भगवान परशुराम से, उसे पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। किंतु सबके साथ साथ ये विशेष बात ध्यान देने की है कि प्रभु श्री राम चाहते तो अपना निमित्त, वो तो ईश्वर थे, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा ही अपना निमित्त प्राप्त कर लेते, किंतु नहीं, उन्होंने वो मार्ग चुना जिसके द्वारा उन्होंने सारे आदर्श, सारे उच्च आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किए कि कैसे अनुशासित रह के, मर्यादित रह के, संयमित रह के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे प्रभु श्री राम जन जन के नायक हो भी तो क्यों ना। अप्रमेय रत्नाकर प्रभु श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव का ये आनंदोत्सव है और हर कोई इस आनंदोत्सव में शामिल हो रहा है। आनंद की पराकाष्ठा को जैसे वो समेट लेना चाहता है, पूरी उम्र के लिए, जीवन भर के लिए इस क्षण को वो अपने साथ संजो कर रखना चाहता है। श्री राम ने अपने मानव जीवन में मर्यादा के प्रतिमान गढ़े, पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, राजा प्रजा, मित्रों और गुरुजनों के कैसे संबंध होने चाहिए, ये उन्होंने अपने आचरण में ढाल कर बताया। यही नहीं, अपने जीवन चरित के माध्यम से वो एक संपूर्ण मनुष्य की परिभाषा गढ़ते हैं। अवधपुरी सोवई यही भांति प्रभु मिलन आई जनुराति। आज श्री रामनवमी के पावन पर्व पर इस विवरण को, सजीव विवरण को हम यहीं पर विराम देते हैं और एक बार पुनः संपूर्ण सनातन सृष्टि को प्रभु श्री राम के प्राकट्य की हार्दिक बधाई, शुभ मंगल कामना, शुभ मस्तु। सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा।